ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨੀਡ ਵੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨੀਡ ਐਵਰੀ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली द फैक्ट आई से लगातार दिखा रही हूँ आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई खबरें। तो जानते हैं इन लोगों से। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परविंदर कौर है। जी कहाँ से आए आप? मैं श्री मुक्सर साहब से बिलोंग करती हूँ। जी आज क्या खास है डेरा सच्चा सौदा? आज इतने आई कैंप लग गया जोड़ा कि हर साल लगता है, हम ये तीवा कैंप है जो इस बार लग गया। जी जो इस कैंप में क्या किसी प्रकार का कुछ डोनेशन वगैरह चार्ज किया जाता है? नो, ये बिल्कुल विदाउट ऑफ कॉस्ट है। ये गुरु जी की गाइडेंस एंड उन्होंने स्टार्ट किया हुआ कैंप जो एवरी ईयर लगता है। जी आप किस पर्पस के लिए आए हैं आज यहाँ? मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ जो कि अपनी ड्यूटीज इतने देने आ रही हैं, बिकॉज गाइडेंस ऑफ गुरु जी असी सारा स्टाफ अकॉर्डिंग टू टाइम इतने आने हैं। एंड जो ये कैंप स्टार्ट होंगे असी पेशेंट्स की केयर करते हैं, उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जी आप बताइए कि जो कैंप के अंदर के अरेंजमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं? ऑलमोस्ट मतलब अकॉर्डिंग टू मेडिकल एवरीथिंग इज विदाउट कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइड इन बेटर वे टू एवरी पीपल। जी जो लेडीज़ और जेंट्स के जो अरेंजमेंट्स हैं वो किस तरह से उनको मैनेज किया गया? डेरे की मर्यादा के अकॉर्डिंग सेपरेशंस मतलब मेल्स का ट्रीटमेंट सेपरेट वार्ड बनाया जाता एंड फीमेल का सेपरेट वार्ड बनाया जाता एंड फीमेल नू फीमेल नर्सिंग स्टाफ ट्रीट करता है एंड आलसो द जो मेल स्टाफ है उन्होंने मेल नर्सिंग स्टाफ ट्रीटमेंट करता एंड ट्रीटमेंट जोड़ा वो सारे पीपल जोड़े एवरी स्टेज तो आते हैं उन्होंने विदाउट कॉस्ट दिता जाता है एंड पूरी मतलब प्रॉपर गाइड किया जाता है एंड वधिया ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जी जी तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चेकअप किया जाता है डेरा सच्चा सौदा में, तो उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है मरीजों को, तो क्या उसके लिए कोई कॉस्ट देनी पड़ती है उन्हें? नहीं बिल्कुल, ये कैंप मैं थोड़ा पहले ही कह चुके हैं कि बिल्कुल फ्री होंगे कि स्टार्टिंग तो लैके स्लिप तो लैके मतलब जदों तक पेशेंट घर नहीं पहुँच जाता उदों तक एवरीथिंग इज फ्री, कोई चार्जस नहीं लिते जाते। जी क्या और भी ऐसी कोई सेवाएं हैं जो डेरा सच्चा सौदा गरीबों की मदद के लिए या फिर समाज के लिए जो कर रहा हो? हाँ जी मतलब जी कैंप की गल करिए जो उन्होंने फूड जो भी नीड मेडिसन सारी प्रोवाइड की जाती वो फ्री होंगी है, तो बस इन्हों मतलब कमां तो बगैर ब्लड डोनेशन ट्री प्लांटेशंस मतलब गुरु जी के जोड़े फॉलोअर्स ने वो एवरी डे करते रहते हैं। जी यहाँ का माहौल कैसा है, जो महिलाओं के प्रति जो उनकी सिक्योरिटी है वो कैसी है? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इदू ज़्यादा आई मतलब कोई भी सेफ प्लेस नहीं हैगी। मैं इतने बचपन तो आनी हाँ तो मतलब गर्ल्स लिए कोई मतलब इदा नहीं कि कोई मतलब पार्टीशन है, फीमेल सैपरेट होंगे तो मेल सैपरेट होंगे, कोई मतलब जो भी कमेटी है फीमेल की सैपरेट ही है, उतों ही उधर ही वो रेंदे ने उधर ही फूड लेंदे ने उतों ही वापस चल जाते हैं। जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतने लंबे समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो समाज को क्या बताना चाहेंगे आप डेरा सच्चा सौदा और गुरु जी के बारे में? गुरु जी के बारे बोलना कोई ईजी चीज़ नहीं है, बिकॉज पीपल कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। मतलब बहुत सारे चेंजेस उन्होंने लियांदे है लोगों की लाइफ च, लोग ड्रग्स लेंदे सी वो छड़ के मतलब एक अच्छा इंसान बन चुके हैं, चंगे काम करते हैं। लाइक मैं भी हूँ 5-7 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हाँ, बिकॉज जेड़ा मैं नहीं पता सी की हुंदा ब्लड डोनेट, पर उस ब्लड नाल कई लोगों की जो जान बची आई एम फील हैप्पी। जी जी तो क्या मानते हैं, क्या आज भी समाज को डेरा सच्चा सौदा को गुरु जी की ज़रूरत है? डेफिनेटली इकल्ले मतलब सानू ही नीड वोटिस नू नीड एवरी पीपल नू नीड है, बिकॉज उन्होंने इन्ने चेंजेस लियांदे है कि सारी सोसाइटी अज फील कर रही है कि हाँ उन्होंने कमी है। जिमें सफाई अभियान चलते ने मतलब किन्ना पोल्यूशन घटिया उस चीज़ नाल, ट्रीज प्लांट होए ने किन्ना बेनीफिट होया अज लोगों को फील हो रहा है,
ज़्यादा आई थिंक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जी। सरकार को अपील क्या करना चाहेंगे आप गुरु जी की रिहाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कि उन्होंने भी पता लग रहा है कि हाँ कि एक ऐसा परसन है जिन्हें मतलब लोगों की लाइफ बहुत सारे चेंजेस लिया, इनवायरमेंट च, हेल्थ च, सो सारे पता कि उन्होंने आना बहुत जरूरी है, सो आई थिंक वो जल्दी तो जल्दी आ सकें जी। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरह जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो आज भी करोड़ों की तादाद में ज्यों के त्यों सेवाओं में डुटे हुए हैं, और उनका यही कहना है कि सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए ताकि जो सेवाएँ हैं वो और भी बढ़ चढ़ कर की जाएँ। तो हमारे साथ बने रहिए द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद।